उसके बाद का लेना और आज का लेना पूरे सनातन धर्म एरिया में यहाँ शांति व्यवस्था पर करवा रही है कि युवा करनाल का है, झज्जर का है, सोनीपत का है, रोहतक में झज्जर का है और गांव का है, केवल अपने क्षेत्र में ही विकास किया जाता था। अब मेरा अनुरोध युवा नेता भाव चुप अपने विचार रखेंगे, भाव चुप। सबसे पहले तो सभी मेरे साथ नारा लगाएंगे और इस सभा के जोश को बुलंद करेंगे, भारत की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर विराजमान दो बार के गरुड़ा हल्का के विधायक और तीसरी बार भाजपा के द्वारा घोषित किए गए हल्का गरुड़ा के प्रत्याशी हरविंदर कल्याण जी और उनकी पूरी टीम जो दिन रात सुबह से लेकर रात तक मेहनत करती है और यहाँ समाज के गणमान्य व्यक्ति, बहने, माताएं, मेरे युवा साथी सभी का इस एसडी मंदिर के बाहर के प्रांगण चौक में सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, नमस्कार है। हमने 10 साल के कांग्रेस शासन को भी देखा है और भाजपा के शासन को भी देखा है, हमने हुड्डा राज को भी देखा है जब क्षेत्रवाद चरम पर था, जातिवाद चरम पर था और जो नौकरियां हैं वो केवल खर्ची पर्ची के आधार पर नहीं लगती थी बल्कि जातीय पहचान को देखकर, क्षेत्रीय पहचान को देखकर भी लगती थी। देखा जाता था कि युवा करनाल का है, झज्जर का है, सोनीपत का है, रोहतक में झज्जर का है और गांव का है, केवल अपने क्षेत्र में ही विकास किया जाता था। तो हुड्डा राज में हरियाणा को विकसित नहीं किया गया बल्कि उसको पंगु बनाया गया, विकलांग बनाया गया, दिव्यांग बनाया गया। आप सोच करके देखिए, ये मेरा शरीर है, इसका एक अंग इधर का विकसित हो जाए और एक अंग कमजोर रह जाए तो ये एक विकलांग शरीर कहलाएगा या एक विकासशील विकसित शरीर कहलाएगा, ये एक पंगु और दिव्यांग शरीर कहलाएगा। इसी प्रकार जिस प्रकार हुड्डा सरकार में केवल और केवल क्षेत्रीय आधार पर विकास हुआ, रोहतक झज्जर में विकास हुआ और बाकी एरिया जितना भी है उत्तरी हरियाणा, ये सारा विकास इसमें नहीं हुआ है। तो ये एक प्रकार से विकसित हरियाणा नहीं बनाया उन्होंने, पंगु दिव्यांग और विकलांग हरियाणा बनाया है उन्होंने। और मैं बात करूंगा हमारे हरविंदर कल्याण जी की, जो कितने सज्जन आदमी है, 10 साल का कार्यकाल हमने उनका देखा है, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, इनके कार्यकाल में किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव नहीं हुआ, जातीय वर्चस्व नहीं हुआ, शांति व्यवस्था बनी रही। मुझे याद है इसी तकिया बाजार में लोग कुछ आदताई असामाजिक तत्व यहाँ हफ्ता मांगना शुरू करने लग गए थे, तो हरबंश लाल चुगली ने और तमाम यहाँ के लोगों ने कंप्लेंट की, विधायक जी को फोन किया, इन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई की और यहाँ पर 20,000 खड़ी होने लग गई थी। उसके बाद का दिन है और आज का दिन है, पूरे सनातन धर्म एरिया में यहाँ शांति व्यवस्था बरकरार रही है। और मैं ज्यादा न बोलता हुआ, विकास कार्य तो बहुत करवाए इन्होंने लेकिन विपक्ष को एक भी विकास कार्य नजर नहीं आता, क्योंकि उनकी हालत उस बच्चे जैसी हो गई है जो बच्चे अपने माँ बाप को कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है, इतने साल हो गए हमारे लिए क्या क्या है। उन बच्चों जैसे विपक्ष की हालत हो गई है क्योंकि उनका विपक्ष का नेता ही बच्चा है। विकास कार्य तो हमारे कौन जयंती गिनवाएंगे जिन्होंने हमें भाजपा में जोड़ा है, ठीक है। तो मैं तो आपको इतना ही कहूंगा अपनी बात को खत्म करते हुए, 5 तारीख को 5 बजे से पहले 5 नंबर का बटन दबाकर
555 करते और खटाखट हरविंदर कल्याण को कमल के फूल पर वोट दे करके 5 नंबर पर विजय बनाने का काम करे और इन्हें तीसरी बार विधायक बनाकर हरियाणा के विधानसभा में भेजा और मंत्री बनाने का काम करे। ये हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनेंगे। एक बात और करूंगा, हुड्डा सरकार में रोहतक के अंदर जातीय रूप से टारगेट किया गया था, आप लोगों को याद आ गया नहीं है के भूल गए? ये कुछ दिन गए इलेक्शन में आएंगे जो प्यार से धड़े विपक्षी अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और अपने हितों को पहचानिए कि आपका हित कहाँ है और उस आधार पर वोट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। देखिए, बताने को बहुत कुछ है, हमारे बच्चे भावुक ने जो बताया है, हमारे गांव की मोहम्मद मनोहराज जी ने बहुत कुछ किया है। रोहतक विशेष रूप से कान लोग हैंड टू माउथ हो गए थे, खाने को कुछ नहीं था, ऐसे तो माने राग कर दी गई थी। और जो बहुत मनोहराज जी ने गांव जी ने किया, आज वो घर पलट रहे हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं हमको, आज भी याद करते हैं पवन जी मनोहराज जी को।